लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग इज़ नॉट एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग का हमें मतलब वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, वो हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ नहीं होती। उसमें हमें किसी भी चीज़ के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। हम सिर्फ गेस्चर या फिर गेस करके हम उसकी जो वैल्यू वगैरह, प्रॉफिट और लॉस, वो कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, अकाउंटिंग डज़ नॉट इंडिकेट अ रीजनेबल वैल्यू। मतलब जो बैलेंस शीट होती है, उसमें उन्होंने जो चीज़ें हमने बेच दी हैं या फिर जो सोल्ड आइटम्स हैं उनके बारे में लिखा नहीं होता, तो हम एस्टिमेट लगा के ही उनकी वैल्यू, प्रॉफिट लॉस वगैरह हम फाइंड करते हैं। थर्ड, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। मतलब उसमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रू नहीं होती। उसमें उन्होंने मिक्स्ड, मतलब कुछ ऐसे अपने मन से ही उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है। फोर्थ, इट डज़ नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट भी नहीं होती। जैसे कि जो जो एग्जैक्ट अमाउंट है, उससे जो लॉस और प्रॉफिट है उसमें भी थोड़ा उन्होंने डिफरेंस या फिर कुछ चीज़ें छोड़ी होती हैं, मतलब प्रॉपरली वो चीज़ सारी मेंशन नहीं की होती। फिफ्थ, अफेक्टेड बाई विंडो ड्रेसिंग। मतलब इसमें जो हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिक्स्ड होती है। जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रू नहीं होता। थैंक यू।